सुप्रभात बच्चों, आप लोग सभी हिंदी व्याकरण पुस्तक वाटिका निकालिए। व्याकरण वाटिका आज का कक्षा का कार्य अध्याय 10 उल्टे अर्थ वाले शब्द। आज का जो अध्याय है वो उल्टे अर्थ वाले शब्द पृष्ठ संख्या 40। अब आपकी बारी। नंबर वन जो है, देखिए बच्चों, चित्र देखकर शब्द लिखो। आप लोग देख ही सकते हो चित्र में एक तरफ काला है और एक तरफ सफ़ेद है, तो आपको पढ़ना है अच्छा से काला सफ़ेद और आप उसको वर्ण को उच्चारित करके पढ़िए। जैसा कि क में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, काला और सफ़ेद को भी। इसके बाद देखिए ये जो फूलदान है ये टेबल का ऊपर है, इसीलिए ऊपर। उसके बाद फूलदान नीचे में है, कोई भी सामान अगर कुछ चीज़ का टेबल का नीचे है करके इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे नीचे। नीचे उसके बाद देखिए यहाँ जो बंदर है ये पेड़ का आगे खड़ा है, इसीलिए इसको हम यहाँ लिखा गया है आगे, और पेड़ के पीछे है करके यहाँ आप लोग सभी लिखिए पीछे। प में बड़ी ई, छ में एक ही मात्रा, पीछे। मैं यहाँ दो शब्द यहाँ लिखी हूँ, ये है नीचे, नौ में बड़ी ई, चौ में एक ही मात्रा, नीचे। मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ नी चे, समझने के लिए, और यहाँ लिख रही हूँ पी छे, ठीक है। इसके बाद नंबर टू जो है, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द पर राइट लगाओ और उसका चित्र बनाओ। अब लोग पहले बायां तरफ देखिए, ये दिन का लिखा हुआ है, तो दिन का उल्टे अर्थ वाले शब्द होता है रात, ठीक है। और ये जो है लड़की मुस्कुरा रही है, मतलब हंस रही है, ना कि रो रही है, तो हंसना मुस्कुराना, ठीक है। ये सब आप लोगों को पढ़ना है अच्छा से। उसके बाद जो है, कक्षा में कौन आपके आगे बैठा है, कौन पीछे, नाम लिखो। ये तो अभी आप लोग नहीं लिख सकोगे क्योंकि आप लोग कक्षा में अभी आते नहीं हो, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो जब आप लोग आओगे तब इसको भर दीजिए, ठीक है। सो आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंस है, वो है उल्टे अर्थ वाले शब्द, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आज का गृह कार्य जो आप लोग स्कूल डायरी में लिखिए, अध्याय 10 पृष्ठ संख्या 40, ओके।